हेलो छवि दी। हाय आशु, कैसी हो? क्या हो रहा है? हाय दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वैसे आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मोहिनी आंटी ने पता है क्या किया? खीर में ना उन्होंने कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए। थैंक गॉड हम में से किसी ने वो खीर नहीं खाई। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मामा जैसे उन्हें पकड़ती है वैसे ही मामा ने उन्हें पकड़ लिया। आपको पता है इस बार हम उन्हें डराने के लिए ना कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं। वाओ, आई विश कि हम भी आज होते वहाँ तुम लोगों के साथ। पर आशु तुम ना हमें सब कुछ बताते रहना, वरना हम तुम सबको बहुत मिस करेंगे। डोंट वरी दी, मैं पूरा प्लान आपको मैसेज कर दूंगी। ओके। क्या हुआ, तुम थोड़ा टेंशन में लग रही हो? ती टेंशन में तो मैं हूँ। ती मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप प्लीज किसी को मत बताना। मुझे ना ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का एक टेक्स्ट आया था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब 19 जून को उसका फाइनल है और अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और जीतती हूँ तो मुझे 5 CR मिलेंगे। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए आशु। लेकिन दी मम्मा नहीं मानेंगी, मम्मा मुझे कभी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगी इसमें। वो सब तुम हम पे छोड़ दो, माँ को हम मना लेंगे। तो तुम पार्टिसिपेट करो, हम सब संभाल लेंगे। ओके आशु? सच्ची? थैंक यू सो मच दी। अपराजिता की स्टूपिड लड़कियां मुझे धमकी देने चली हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि इन्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी मम्मा की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि कल मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूंगी जिसके बाद रोने के लिए आंसू कम पड़ेंगे अपराजिता को, कसम से। सुनिए, हम ना एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, हमको आपके ऑल द बेस्ट की जरूरत पड़ेगी। पहले आप काम पे जाते थे, आपको याद है हर बार हम आपको ऑल द बेस्ट कहते थे। कभी सोचा नहीं था हमने कि एक दिन ऐसे हम आपके सामने इतना बड़ा काम करने जा रहे होंगे, पर जिंदगी देखिए क्या क्या करवाती है। वैसे सच कहें हमको ना बहुत डर लग रहा है, बच्चों को नहीं बताया हमने पर आपके सामने तो बता ही सकते हैं। आप तो जानते हैं कि कितना मुश्किल है ऐसे सारी चीजों का इंतजाम करना, फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। आप कैसे कर लेते थे ये सब अकेले? हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, कभी पता नहीं चलता था कि इतना सब करते हैं आप। वैसे सच कहें हम ये काम ना बहुत लंबा करना भी नहीं चाहते, आप बस उठिए और चलिए अपना काम कीजिए। अगर आप होते ना तो ये एकदम से हो गया होता काम और पैसे भी आ गए होते, हम अपना घर भी बचा लिए होते। अभी तो बस हमको घर बचाना है, ये घर बच जाए ना तब हमको शांति मिलेगी। हम ये घर बचा लेंगे। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।